ये बिल्कुल पंखा तैयार है, चल रहा है, काफी मजेदार हवा दे रहा है, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दे रहा है। देख सकते हैं ये आप, उषा फैन बहुत ही आकर्षक है। ये मैं अपने गौशाला में लगाया हूँ, जिसमें मैं गाय पालता हूँ। काफी आकर्षक ये फैन है, उसमें मैं आज गौ माता के लिए लगाया हूँ। तो उषा फैन कोने कोने में देगी हवा, तो आज ही खरीदे उषा फैन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार पंखा को रॉड से कनेक्ट करें और अपने सीलिंग में कनेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों, दो वायर लेना है इस तरह से इक्वल, और एक बार यहाँ से ले जाकर ऊपर की ओर भेज देना है। और जैसे ही ऊपर की ओर आए तो इस जो होल है ये वाला, ये दोनों होल छोड़ के इसमें से तार को निकाल लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए क्या करना है। तो दोस्तों, उसके बाद इसको इस प्रकार से रख देना है। दोनों कैप ध्यान रखें लगा हुआ रहना चाहिए। अब दोनों कैप को ऊपर की ओर उठा लेंगे, और ये देखिए दोनों होल को, ये जो होल है उसको यहाँ पे मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल दिख रहा है। अब इसमें हम लोग नट को कनेक्ट करेंगे। तो ये दोस्तों नट है, इसको अच्छे तरह से कनेक्ट करना होता है, तो देखिएगा ध्यान से। तो इस नट को दोस्तों तुरंत फिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। नट को लगाने के बाद ये सर्कल वाला लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये लगा देना है नट को। किसी किसी फैन में दोस्तों ये देखिए ये अटकेगा, तो इसको थोड़ा सा वो हेक्सा ब्लेड से थोड़ा सा इसको शार्प कर देने से अंदर की ओर अच्छे से चल जाएगा। देखिए ये अटक रहा है, तो मैंने इसे हेक्सा ब्लेड से साफ कर दिया है। अब इसको पिन में लगाऊंगा ये। तो दोस्तों देखिए, ये जो रेड कलर का वायर है उसको रेड में फिट कर देंगे इस साइड से, यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद एक ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर ये नीचे वाला, ये देखिए नीचे में है, दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ये ब्लैक वायर को हम लोग, ये जो अपना ब्लैक वायर ऊपर से लिए थे हम लोग, ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो रेड एंड ब्लैक वायर है इसको सर्विस वायर से जोड़ देंगे। उसके बाद फैन चालू हो जाएगा, और मैं बताता हूँ कि डायना कैसे सेट करेंगे। तो इस तरह से इसको कर देंगे, इसके बाद नट को खोलेंगे। काफ़ी कठिन नहीं है लेकिन आसान ही है। इस तरह से करके नट को खोलेंगे हम। ये धीरे धीरे घुमाने पे खुल जाता है, इस तरह से घुमाइएगा आप लोग तो खुल जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया है, रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करना है। दोस्तों देखिए, मैंने बिल्कुल कनेक्ट कर दिया है रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में। अब ऊपर का जो नट है उसको कसा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि कैप लगाना बहुत अनिवार्य है। देख लीजिए गिर चुका है, थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, बस इतना इतना रखना है। अब ऊपर का हम लोग नट बोल्ट कसते हैं। अब बारी बारी से इस नट को खोल देंगे और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसमें। दोस्तों इस नट को खोलने में परेशानी आ सकती है, तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप पैराशूट कोकोनट ऑयल का उपयोग करके इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर का पोर्शन बिल्कुल तैयार है। अब इसको खोल के हम सीलिंग में सेट करेंगे, और नीचे अब डायना सेट करना बाकी है, तो उसको भी करके दिखाता हूँ। दोस्तों इन दो नटों को खोल के हम लोग डायना कसेंगे। ये देखिए किस प्रकार से डायना को कसना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तीनों डायना मैंने कस दिया है। बहुत ही मजबूती के साथ कसिएगा, नहीं तो ये खुल के हानि पहुंचा सकता है आपके शरीर को या किसी सामान को। तो अब हम लोग चलते हैं इसको पे टांगने सीलिंग पे, तो चलिए चला जाए। उससे पहले ये कैप का नट अच्छे तरीके से सेट कर ले नीचे वाला, और ऊपर वाला तब सेट करिएगा जब ऊपर सीलिंग में सेट हो जाए फैन तब। ये बिल्कुल पंखा तैयार है, चल रहा है, काफ़ी मज़ेदार हवा दे रहा है, गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दे रहा है। देख सकते हैं ये आप, उषा फैन बहुत ही आकर्षक है।
ये मैं अपने गौशाला में लगाया हूँ जिसमें मैं गाय पालता हूँ। काफ़ी आकर्षक ये फैन है, उसमें मैं आज गौ माता के लिए लगाया हूँ। तो उषा फैन कोने कोने में देगी हवा, तो आज ही खरीदे उषा फैन।